कंपटीशन की दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो जो 99% लोग सफल नहीं हो पाए, आपको उनकी गलतियों से भी सीखना पड़ेगा कि क्या कारण रहा। और जो 1% सक्सेसफुल हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपको उनसे भी सीखना पड़ेगा कि उनमें क्या खास बातें थी। मैं कोई बनावटी बातें नहीं करूंगा। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, पैसा नहीं है, बुक्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, माहौल नहीं है, पढ़ाने का फैमिली सपोर्ट नहीं करती, GF नहीं है, कितनी भी परेशानी हो आपके लाइफ में, फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही भाई। कट ऑफ बहुत हाई है तो अब क्या करें? ये कंपटीशन का जमाना है, इसका नाम ही कंपटीशन है। आपको केवल एक चीज की परवाह करनी चाहिए कि मेरी तैयारी दूसरों से कितनी अच्छी है। आपका लिस्ट में नाम तभी आएगा जब आप दूसरों से ज्यादा बेहतर होंगे। कि आपको टारगेट ये रखना है कि मुझे 90% प्लस सही करना है पेपर में अटेम्प्ट। और कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ने का एक कारण इजी पेपर भी है, खासकर SSC एग्जाम्स का। वैकेंसी कम हो गई है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, पेपर आसान है, कई सारे मिले जुले फैक्टर हैं जो कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। अगर आप कंपटीशन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीन बातों का आपका ध्यान रखना है, सिलेक्शन आपका 100% निश्चित होगा। सबसे पहले तो अपना सिलेबस पूरा करो, दूसरा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो जितनी संभव हो सके, और मिनिमम पिछले 3 साल के तो आपको करने ही है। और तीसरा है मॉक टेस्ट। जैसे ही आपका सिलेबस लगभग आधा हो जाए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, और हर मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद उसकी एनालिसिस भी करो। जितने भी आपकी क्षमता इतने मॉक टेस्ट लगाओ, और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो आखिरी मॉक टेस्ट होगा, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। एक सीरियस SSC एस्पिरेंट जब मेहनत करता है ना, कुछ नहीं देखता वो, ना हेल्थ, ना खाने पीने का, ना सोने का, वो पूरी तरीके से अपने आप को SSC की तैयारी में झोंक देता है। दिन रात बच्चा पढ़ाई करता है, और उसके बावजूद भी किसी कारणवश बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या बीतती होगी उनके दिल पे। केवल मेहनत करना काफी नहीं है, आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट मेहनत। कि हर एक चीज का प्रॉपर टाइम टेबल सेट करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ और उसी को फॉलो करो, और कोशिश ये करो कि एक ना सही तो 2 अटेम्प्ट में मुझे सिलेक्शन ले लेना है, तीसरे अटेम्प्ट में जाना ना पड़े। जो स्टूडेंट अपने घर से बाहर रूम रेंट पे लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है तो आप रूम किराए पे लेके पढ़ाई कर सकते हो। बस रूम पार्टनर ऐसा चुनना जो आपकी पढ़ाई में मदद करे, वो आपको बिजी रखे पढ़ने में, बेवजह का आपका टाइम वेस्ट ना करे। कि रूम पार्टनर पे भी कहीं हद तक डिपेंड करता है कि आपका डेली का शेड्यूल कैसा रहेगा। अगर आपका साथी जो है बराबर में बैठ के डेली 10 से 15 घंटे पढ़ रहा है, तो आपके मन में भी तो आग उठेगी ना, यार ये तो पढ़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। और वही दिन भर सोता रहेगा है, तो निगेटिविटी आपके मन में भी आएगी। तो रूम पार्टनर ऐसा चुनो जो पढ़ने वाला बंदा हो आपसे ज्यादा, क्योंकि वो आपको मोटिवेट रखेगा सामने, क्योंकि वो आपको ऑल टाइम दिखेगा। घर पे सर माहौल नहीं बन पाता। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, घर पे कोई आ गया, मम्मी बोलेगी कि जाके देखियो रे, कोई एक बार गेट खोलिया, वो रिदम टूट जाती है सर। नहीं मन कर रहा तो आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे, पहले आप ऐसे बैठोगे, फिर और पीछे होते जाओगे, फिर लेट जाओगे। लाइब्रेरी में भी जैसे मैं पहले दिन से मैं अपना एक डिसिप्लिन बना के गया था, मान लो मेरा मन नहीं भी कर रहा ना पढ़ने का, तो मैं फोन नहीं चलाऊंगा। खाली बैठे बैठे मैं बोरी हो जाता था, अंदर से मन में ये आवाज आती थी कि भाई पढ़ लो, पढ़ ले अब। तो मैंने फोन कभी यूज नहीं किया लाइब्रेरी में। देखो भाई, SSC की जो तैयारी है ना, वो एक साइकिल चलाने की तरह है। जब तक आप साइकिल में पेंडल मारते रहोगे, साइकिल चलती रहेगी, तैयारी होती रहेगी, बैलेंस बना रहेगा। और जैसे ही आपने पेंडल मारने बंद कर दिए, वैसे ही साइकिल रुक जाएगी। अब दोबारा से साइकिल को स्टार्ट करना पड़ेगा, तैयारी भी दोबारा से ही शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन का सॉल्यूशन है। 3 चीजें ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस। जिस बच्चे में 3 चीजें हैं, उसका SSC निकल गया समझो। स्लो आदमी की नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। देखो, एक बच्चे को पूरा गणित आता है, बेसिक से बनाता है, बेसिक में उलझा रहता है। एक बालक है कि बहुत तेजी से बनाने की कोशिश करता है, बट उसको बहुत ज्यादा आता नहीं है। और एक बच्चा है जिसको नॉलेज भी है और उसकी स्पीड भी अच्छी है, तो इसमें से केवल इस बच्चे का सिलेक्शन होगा। आपको गणित सीखना है और गणित जल्दी करना भी सीखना है, दोनों ही चीजें सीखनी है। स्पीड तब मेंटेन हो सकती है जब आप चीजों को दिमाग में सोचने की आदत डालो। हाँ, समझने में आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी आदत में बनेगा। एक बच्चा बार बार कमेंट करा, सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। भाई मेरे, जिस दिन आप डेली के डेली 6 महीने तक लगातार 60-70 सवाल लगाना शुरू कर देंगे, अपने आप कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 50 तक स्क्वायर याद करिए, 30 तक पहाड़े याद करो, 25 तक क्यूब याद करो। दशमलव का डर अपने अंदर से हटा लो, जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से कर लीजिए। 6 महीने तक लगातार डेली के डेली
60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कैलकुलेशन आपकी मजबूत हो जाएगी। समय लगेगा, 1-2 दिन की बात नहीं है ये। बहुत सारे बच्चे केवल इस उम्मीद के साथ आते हैं कि सर बस सिलेबस जल्दी खत्म करवा दो। सर कुछ पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, आधा अधूरा पढ़ाओ, बस हमारे माथे में मोहर लग जानी चाहिए कि सर सिलेबस खत्म हो गया। ऐसे बालकों को मैं माँ मूर्ख कहता हूँ। एक तो है सिलेबस पूरा करना कि भाई आपने सिलेबस पूरा कर लिया, और एक पूरा सिलेबस पढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें। क्या वाकई में सभी लोग इंस्पेक्टर बन सकते हैं? नहीं। दो कारण हैं, एक तो वैकेंसी बहुत कम है और तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और तैयारी करने वाले लोगों में जितनी वैकेंसी उससे कहीं ज्यादा है बहुत मेहनत करने वाले अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है। तो इंस्पेक्टर केवल वही बनेगा जो काबिल होगा, जिसे अपनी मेहनत पे भरोसा होगा, जिसने अपने आप को दिन रात घिसा हो, और जिसके दिमाग में इंस्पेक्टर बनने के अलावा एसएससी सिलेक्शन के अलावा कोई और चीज ना घूमती हो, वही आखिरी सिलेक्शन लेके निकलेगा। तुम्हारी लाइफ में अच्छा होगा कहां से जब आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे? ना तो आपसे सुबह उठा जा रहा है, ना आपसे एक्सरसाइज हो रही है, ना आपसे कोई पढ़ाई हो रही है, और ना ही आपसे मोबाइल छोड़ा जा रहा है। जब आप लाइफ में कोई पॉजिटिव चीज कर ही नहीं रहे तो आपकी लाइफ तो नेगेटिविटी से भरी हुई होगी ही। जब तक आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे तो लाइफ चेंज होगी कैसे और अच्छा होगा कैसे?